हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ नेटिव मॉड्यूल्स। वैसे तो ये प्लेलिस्ट के अंदर काफी ज्यादा वीडियोस हैं, लेकिन नेटिव मॉड्यूल्स का मैंने थंबनेल वगैरह थोड़ा सा उसको सेपरेट रखा, उसकी जो नंबरिंग है वो भी थोड़ी सी सेपरेट रखी है, क्योंकि ये इटसेल्फ एक अपने आप में एक जो कुछ टॉपिक्स हैं ये थोड़े से हटकर हैं रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन को डेवलप करने से। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इवेंट इमिटर, नेटिव इवेंट इमिटर। उसका पर्पज क्या होता है, बेसिकली जब भी आप अपने इवेंट्स को एंड्रॉइड से या आईओएस से कोई भी इवेंट आपने भेजने हो जो है क्या नाम है रिएक्ट नेटिव को कंटिन्यूअसली, तो उसके लिए इवेंट इमिटर का यूज होता है। अगर आपको कॉल बैक भेजना हो तो आप प्रॉमिस के थ्रू कर सकते हैं, मतलब नेटिव मेथड से आपने रिएक्ट नेटिव से कोई नेटिव मेथड कॉल किया और आपने वहां एक सिंपल कॉल बैक भेज दिया रिएक्ट नेटिव को, तो उसे हम प्रॉमिस के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपने कंटिन्यूअसली अगर मेथड के अंदर कोई चीज भेजनी हो रिएक्ट नेटिव को, भले वो टाइमर हो किसी भी तरीके से सेंसर का कोई डेटा हो, तो उसके लिए आपको इवेंट इमिटर का यूज करना होता है। ठीक है, पहले की एक दो वीडियो अगर आपने देखी है तो ये हमने एक क्लास बनाई थी टेस्ट कंट्रोलर, जहां पे हमने अपने नेटिव के जो मेथड थे ना ये बनाए थे, जो पहली जो वीडियो है ना वो जरूर देख लेना। सही है, अब यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैं दो मेथड जो है ऐड करता हूँ अपने ऐड लिसनर और रिमूव लिसनर। ठीक है, क्योंकि मैं इसी क्लास को यूज करूंगा इवेंट इमिटर के लिए। उसके बाद मैं आता हूँ अपने माय फ्रैगमेंट के अंदर और यहाँ पे जो है मैं एक मेथड बनाता हूँ कॉल इवेंट इमिटर। कॉल इवेंट इमिटर में कोई लंबा चौड़ा काम नहीं हो रहा, यहाँ पे एक हैंडलर चल रहा है रनेबल, रनेबल हैंडलर एंड्रॉइड जावा का वो काम करते हैं, बार बार अब वो चलता है 15 जो है ना 2 सेकंड के बाद ये मेथड कॉल होगा खुद से। ठीक है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अंदर जो तीन लाइनें लिखी हुई है ना ये देखने वाली हैं, ये देखें यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डेटा फ्रॉम एंड्रॉइड और ये ऑन रेडी, ये इवेंट का नाम है मेरा ऑन रेडी और ये डेटा फ्रॉम एंड्रॉइड, और ये लाइनें आपको तीन लाइनें आपने यहाँ पे लिखनी है। अब ये मैंने जो फ्रेगमेंट बनाया है इसके ऊपर एक स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट लिया है, उस कॉन्टेक्स्ट को मैं रजिस्टर कहाँ से कराऊंगा अपने टेस्ट कंट्रोलर के अंदर से। टेस्ट कंट्रोलर में यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा माय फ्रेगमेंट डॉट रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे मैं रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट दे दूंगा, क्योंकि मेरे फ्रेगमेंट के पास ना ये कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, नल आता है फ्रेगमेंट के अंदर। तो आपने ये क्लास बनानी है, भले आपने बाकी काम करना है नहीं करना, या आपके ऊपर है माई मॉड्यूल की क्लास बनानी है, उसके अंदर ये लेना इस तरह से कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देनी। इस क्लास की बेसिक्स क्या है, इस क्लास को कहाँ कहाँ पर रजिस्टर करवाना है, उसके लिए आप मेरी पुरानी एक दो वीडियो देख लें जिसको ऑरेंज थंबनेल नेटिव मॉड्यूल और जो है नेटिव मॉड्यूल्स के नाम से 2 या 3 4 पुरानी वीडियोज है वो जरूर देख लें। यहाँ पे आने के लिए एंड्रॉइड साइट का काम मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं आता हूँ अपनी रिएक्ट की जो चीजें हैं वहां पर, और यहाँ पर आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आपने नेटिव इवेंट इमिटर को जो है इंपोर्ट करवाना है, और इसके बाद जो है आपने इस तरह से ये तीन लाइनें लिखनी है, माई नेटिव मॉड्यूल्स, नेटिव मॉड्यूल्स कहाँ पर है ये मेरे नेटिव मॉड्यूल्स डॉट माई मॉड्यूल, जो भी आप क्लास का नाम रखेंगे वो यहाँ पर आएगा माई मॉड्यूल, और आपने योर मॉड्यूल इवेंट को लिसनर लगाना है कहाँ पर, इवेंट के नाम के ऊपर ऑन रेडी, जो इवेंट का नाम मैंने वहां पे लगाया था, और इसको यहाँ पे मैंने कॉन्सोल के अंदर डाल दिया। अब मैं अपने मोबाइल को रियल डिवाइस को कनेक्ट करता हूँ। ओके, तो ये मैंने अपनी एप्लीकेशन को रन किया है और यहाँ पे आप देखिए हर 2 सेकंड के बाद रिसीव्ड कहाँ से लिखा हुआ, रिसीव्ड मेरा यहाँ से लिखा हुआ रिसीव्ड, और स्ट्रिंग जो आ रही है वो मेरी एंड्रॉइड से आ रही है डेटा फ्रॉम एंड्रॉइड। तो ये होता है हमारे नेटिव इमिटर के हर थोड़ी देर बाद, या आपने कोई भी चीज एंड्रॉइड से डायरेक्ट रिएक्ट नेटिव को देनी हो तो वो आप थ्रू इस मेथड के थ्रू आप भेज सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और इसके बाद मैं आईओएस की कोशिश करूंगा कि आईओएस की वीडियोस डालूं, वरना अदरवाइज मैं रिएक्ट नेटिव की जो नॉर्मल एप्लीकेशन जो हम डेवलप करेंगे उसमें एपीआईज वगैरह एक्सप्लोर करेंगे, वेदर एप्लीकेशन वगैरह, कहीं पर कोई मसला आया, कहीं पर कोई एरर आया तो आप मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं।